लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2 पॉइंट टू दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कोऑर्डिलेटर हमें ये सारे कोऑर्डिलेटर बनाने हैं तो सबसे पहले पार्ट में कह रहा है कोआर्डिलेटरल एल आई एफ टी बनाना है तो हम एक कोऑर्डिलेटरल बना लेते हैं रफ स्केच में तो देखिए ये कोआर्डिलेटरल है एल आई एफ टी ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एल आई दे रखा है फोर सेंटीमीटर आई एफ दे रखा है थ्री सेंटीमीटर टी एल दे रखा है हमारे को टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एल एफ दे रखा है एल एफ ज्वाइन कर देते हैं फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और आई टी दो डायगनल्स दे रखी हैं इसका मतलब हमें दूसरी डायगनल दे रखी है फोर सेंटीमीटर राइट तो इसका मतलब इस फिगर में हमें ये साइड ये साइड और ये साइड तीन साइड्स दे रखी हैं और दो डायगनल्स दे रखी हैं जब भी तीन साइड और दो डायगनल्स दे रखी होती हैं तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं चलिए हम अपना मैथ्स पैड ओपन कर लेते हैं सबसे पहले देखिए जब भी हमें दो डाइगनल्स और तीन साइड्स दी हुई होती हैं तो कैसे बनाते हैं अब अगर आप देखेंगे ये वाली डाइग्नल और ये दो साइड है या ये वाली डाइग्नल और ये दो साइड है तो कोई सी भी डायग्नल पहले बना लीजिए और उसकी दो साइड्स बना लीजिए तो मैं पहले 4.5 और उसकी ये दो साइड्स बना लेती हूँ तो सबसे पहले हम फोर सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमने फोर सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया और ये है हमारा टी और आई तो हमने यहाँ मार्क कर दिया टी और आई राइट फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का अब हमें टी आई ये मार्क किया है अब हमें टी से एल और आई से एल मार्क करना है तो या तो ऊपर की तरफ बना लीजिए एल या नीचे की तरफ बना लीजिए मैं ऊपर की तरफ बना रही हूँ तो टी से एल 2.5 सेंटीमीटर दूर है तो हम कंपस में 2.5 सेंटीमीटर ले लेंगे यह आ गया 2.5 सेंटीमीटर तो हमने ऊपर की तरफ मैं एल बना रही हूँ आप नीचे की तरफ भी बना सकते हैं वो रॉन्ग नहीं होगा राइट या आ गया 2.5 सेंटीमीटर पे एक आग लगा दिया अब इसी तरीके से आई से एल 4 सेंटीमीटर दूर है तो आई से एल 4 सेंटीमीटर दूर है तो हम कंपस में फोर सेंटीमीटर ले लेंगे तो ये देखिए कंपस में हमारा आ गया फोर सेंटीमीटर और हमने आई से एक आर्क लगा दिया ये आ गया एक आर्क और ये आ गया हमारा पॉइंट एल राइट और हमने लाइन ड्रॉ कर दी टी एल और आई एल अब टी एल था हमारा टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और आई एल था हमारा फोर सेंटीमीटर अब हमें एफ पॉइंट ड्रॉ करना है राइट अब एफ पॉइंट के लिए हमें क्या क्या पता है या तो आई एफ पता है थ्री और या एल एफ पता है फोर तो हम आई आई से और एल से ही मार्क करेंगे तो एल से हमारा एफ पॉइंट फोर सेंटीमीटर दूर है तो सबसे पहले एल से एफ पॉइंट मार्क कर लेते हैं तो हम अपना कंपस ले लेंगे एल से एफ फोर सेंटीमीटर दूर है तो हम अपने कंपास में फोर सेंटीमीटर ले लेते हैं और एल से एफ था तो एल से मार्क करेंगे एल पे रखा अपना कंपास और एक आर्क लगाया राइट अब आई से एफ पता है थ्री सेंटीमीटर दूर है तो फिर से अपना कंपास थ्री सेंटीमीटर जितना स्ट्रेच कर लेंगे तो हमने अपना कंपास जीरो पे रखा और थ्री सेंटीमीटर जितना खोल लिया राइट और हमने आई से एफ था तो आई से एफ मार्क किया राइट और अब हम टी से एफ़ अब हम ये एफ़ पॉइंट आया है तो टी से एफ जहाँ पे भी क्रॉस किया है एफ़ से आई और एल से एफ तीनों मार्क कर लेंगे और जिस जिसकी मेजरमेंट हमें पता है वो लिख देंगे एल से एफ फोर सेंटीमीटर था तो यहाँ पे फोर सेंटीमीटर लिख रही हूं आई से एफ थ्री सेंटीमीटर दूर था तो थ्री सेंटीमीटर दैट्स इट तो दिस इज आर आंसर लेट्स यू सेकेंड पार्ट नाउ अब सेकेंड पार्ट में देखिए वो कह रहे हैं क्वारडिलेटरल जी ओ एल डी बनाना है तो एक कोडिलेट्रल बना लेते हैं या गया जी एल डी और ओ एल है हमारा सेवन पॉइंट फाइव ये है सेवन पॉइंट फाइव जी एल है हमारा सिक्स सेंटीमीटर जी डी हमारा सिक्स सेंटीमीटर है एल डी हमारा फाइव है और ओ डी हमारा ये हमारा टेन सेंटीमीटर दूर है राइट right? अब कैसे बनाएंगे तो ये देखिए हमें ये वाली साइड पता है ये वाली साइड पता है और ये वाली साइड पता है तो हम ये दो साइड पताएं राइट या ये दो साइड पता है तो आप कोई सा भी एक ट्राइंगल ले ले सकते हैं तो पहले मैं ओ डी एल बना लेती हूँ ओ डी टेन सेंटीमीटर है हमारी और एल पॉइंट ओ से से सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है और डी पॉइंट से एल 5 सेंटीमीटर है तो चलिए अपना मैथ्स पैड ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे और स्केल में हम 10 सेंटीमीटर ले लेंगे क्योंकि हमारा डी ओ टेन सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमने डी ओ टेन सेंटीमीटर ले लिया और हमने यहाँ लिख दिया ये है डी पॉइंट और ये है ओ पॉइंट टेन सेंटीमीटर का अब हमें एल पॉइंट बनाना है तो एल पॉइंट नीचे की तरफ भी बना सकते हैं ऊपर की तरफ बी बना सकते हैं तो मैं ऊपर की तरफ बना रही हूं एल पॉइंट डी पॉइंट से फाइव सेंटीमीटर दूर है तो फाइव सेंटीमीटर ले लेंगे सबसे पहले अपने कैंपस में डी पॉइंट से एल पॉइंट मार्क करने के लिए तो ये आ गया हमारा फाइव सेंटीमीटर डी पॉइंट से एल पॉइंट मार्क करने के लिए राइट अब इसी तरीके से ओ पॉइंट से एल मार्क करना है तो सेवन पॉइंट फाइव है तो फिर से अपने कंपस में सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ले लेंगे तो ये आ गया हमारा सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो ओ पॉइंट पे रखा और हमने ये मार्क कर दिया राइट और हमने ये जॉइन कर देंगे ये आ गया हमारा पॉइंट एल और हमने इसे जॉइन कर दिया डी से भी एल पॉइंट जॉइन कर दिया और ओ से भी ये एल पॉइंट अपना जॉइन कर दिया और ये आ गया हमारा फाइव सेंटीमीटर और एल ओ आ गया हमारा सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब देखिए अब हमें जी पॉइंट बनाना है तो जी पॉइंट एल पॉइंट से दे रखा है और डी पॉइंट से तो यहीं इन्हीं दोनों से मार्क करेंगे दोनों से सिक्स सिक्स सेंटीमीटर राइट तो अब हम अपना कंपस ले लेंगे तो उसके लिए हमने कंपस ले लिया और दोनों तरफ से सिक्स सेंटीमीटर है तो हम सिक्स सेंटीमीटर अपने कंपस में लेंगे सिक्स सेंटीमीटर एल पॉइंट से भी सिक्स सेंटीमीटर है और डी से भी तो हम सबसे पहले एल पॉइंट से सिक्स सेंटीमीटर मार्क कर देंगे ये देखिए ये हमने एल पॉइंट से मार्क कर दिया और हमारा डी पॉइंट से भी सिक्स सेंटीमीटर है तो वही कंपस हमने डी पॉइंट पे रखा और हमने डी पॉइंट से भी मार्क कर दिया राइट right? अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे कहाँ से डी पॉइंट से भी और एल पॉइंट से भी और ओ पॉइंट से भी जहाँ पे भी ये आर्क आया है और वो पॉइंट कौन सा है हमारा जी पॉइंट तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी पॉइंट अब एल से हमारा सिक्स सेंटीमीटर था तो ये आ गया सिक्स सेंटीमीटर और डी से भी जी हमारा सिक्स सेंटीमीटर था दैट्स इट यही दिया हुआ था तो दिस इज आर आंसर लेट्स यू थर्ड पार्ट नाउ अब थर्ड पार्ट में देखिए रॉम्बस ड्रॉ करना है बी ई एन डी तो अब रॉम्बस बना लेते हैं अपना ये रॉम्बस है और ये ड्रॉ करना है राइट बी ई एन डी तो बी ई -E एन डी अब बी एन दे रखा है हमें 5.6 सेंटीमीटर और डी ई e दे रखा है हमें 6.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर सेंटी मीटर का तो अब हमें रॉम्बस ड्रॉ कर लेते हैं मैथ्स पैड ले लेते हैं खोल ले मैथ्स पैड खोल लेते हैं अपना अब देखिए हमें सिर्फ दो डायगनल्स दे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा आप देखिए अगर 6.5 देखें तो उसका आधा अगर करें हमें ये पता है कि रॉम्बस की जो डाइगनस होती हैं वो पर्पेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पे राइट और इक्वली बाइसेक करती हैं तो अगर 6.5 का आधा करें तो 3.25 होता है लेकिन अगर 5.6 का आधा करें तो कितना होगा देखिए यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ 5.6 का आधा करें मतलब डिवाइड बाय टू करें 5.6 का आधा करें तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड बाई टू करें तो टू टू ज़ा फोर टू एट जो सिक्सटीन टू पॉइंट एट आ गया ये ध्यान ली दीजिएगा इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन 2.8 है और यहाँ से यहाँ तक का 2.8 सेंटीमीटर है राइट अब क्या करेंगे अब हम इसका 6.5 का आधा करते तो 3.25 आता तो सबसे पहले हम 6.5 की लाइन बना लेते हैं और उस पर फाइव पॉइंट ड्रॉ कर देंगे कैसे अब देखिए हमने पहले 6.5 की लाइन ड्रॉ करनी है तो हमने लाइन ड्रा कर दी सिक्स सेंटीमीटर की देखिए सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई और ये आ गया हमारा डी और ई e और यहाँ हमने लिख दिया सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की अब हमें पता है रोम्बस बनाने है और रोम्बस की जो दोनों डायगनल्स होती हैं वो एक दूसरे पे पर्पेंडिकुलर होती है तो पहले पर्पेंडिकुलर खींच लेते हैं पर्पेंडिकुलर कैसे बनाते थे कंपस को डी पॉइंट पे रखा मोर देन हाफ ओपन किया और एक आर्क डी पॉइंट से ऊपर की तरफ लगाया और एक आर्क डी पॉइंट से नीचे की तरफ लगाया सेम मेजरमेंट से ई e से एक आर्क लगाया और नीचे की तरफ और एक आर्क ऊपर की तरफ लगाया और इसको जॉइन कर देंगे आप इसको डॉटेड लाइन बना के भी दिखा सकते हैं तो ये देखिए ये लाइन आ गई अब हमें पता है कि यहाँ से B से लेके यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर मार्क कर देंगे तो हम 2.8 सेंटीमीटर के लिए अपने कंपास को लिया और कंपास को 2.8 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लिया आर्क लगाने के लिए तो ये आ गया अब हमने इसको मिड से मिड से 2.8 सेंटीमीटर था तो मिड से एक आर्क यहाँ पे लगाई और एक आर्क नीचे की साइड लगाई और जहाँ पर ये कटे हैं उस पॉइंट से डी और ई को जॉइन कर दिया ये आ गया हमारा मान लीजिए बी पॉइंट और नीचे वाला आ गया एन पॉइंट इसको जॉइन कर देंगे ये जॉइन हो गया राइट अब हमारे को जो डायगनल पता थी उसकी नेमिंग कर देते हैं हमें वो 5.6 पता थी डायगनल तो ये आ गया 5.6 पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर डाइगनल राइट अब हमें पता है रोम्बस में सारी साइज क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये देखने में इक्वल रखी है तो दिस इज आर आंसर